कहते हैं कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है जो राष्ट्र के सैनिकों के ऊपर होती है, और सरहदों की रक्षा के लिए ऐसे ही जवान अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, मगर भारत माता के आन बान और शान को झुकने नहीं देते हैं। इसी की धारणा से पूरी तरह से प्रभावित कोडरमा जिले के ये जो आप देख रहे हैं अग्निवीर जवान हैं, जो कड़े ट्रेनिंग के बाद अभी फिलहाल यहाँ लौटे हैं। ये जवान जो हैं वो इनके चेहरे बता रही है कि ये देश की सेवा के लिए किस तरह से जोश और जुनून के साथ भरे हुए हैं। इनकी ट्रेनिंग कोडरमा जिले में ही यहाँ जो CH स्कूल जो झुमरी तिलैया का मैदान है वहीं पर इन्होंने कड़ी ट्रेनिंग प्राप्त की है। ये डिफेंस एकेडमी है, इंडियन डिफेंस एकेडमी, जिसके यहाँ पर ट्रेनर जो है वो सुभाष यादव है। इन्हीं के देख रेख में ये जो हमारे नए अग्निवीर के जवान जो देश की सेवा और सरहदों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ अब अपने वतन के लिए कूच करने वाले हैं सरहदों पर, वे तैयार हो गए हैं। और आज इनका यहाँ कोडरमा में एकेडमी के द्वारा अभिनंदन किया गया और इन्हें एक बार फिर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया गया। बता दें कि ये सुभाष यादव के द्वारा जो ये डिफेंस एकेडमी, इंडियन डिफेंस एकेडमी का संचालन किया जा रहा है कई सालों से। अब तक ये भारत माता को कई वीर सपूत दिए हैं, और इसी के क्रम में जब ये जून 2022 में अग्निवीर योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, उसके बाद इस एकेडमी के द्वारा कई ऐसे अग्निवीरों को यहाँ से जो है वो अच्छे ट्रेनिंग के साथ क्वालिफाई के लिए भेजा गया, और ये पूरी तरह से इनके जो एक विश्वास था उस पर खड़ा उतर कर वहाँ से वो क्वालिफाई कर लौटे हैं। और ये अब सब ट्रेनिंग कर चुके हैं और अब जल्द ही इनकी तैनाती जो है वो सीमाओं पर होगी, जहाँ ये अपना सर्वोच्च जो होता है जो भारत माता की सेवा के लिए वो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ये भारत के नए सबूत है, जिसके सपूत है, जिसके ऊपर जो है वो भारत के सीमाओं और सरहदों की रक्षा की जिम्मेवारी होगी। तो इनसे पूछते हैं कि देश सेवा के प्रति जो इन्होंने प्रण किया है या कस्में खाई हैं वो किस हद तक पूरा होगा। सभी ये जितने भी यहाँ पर GD और कहे तो क्लर्क के जो ग्रेड के ये जवान हैं, ये सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, और इन्होंने वास्तव में जो गरीबी है उसको भी काफी नजदीक से देखा है, कड़ी तब से मेहनत की है और पढ़ाई पूरी की है। तो इनसे पूछते हैं कि ये आज अग्निवीर बनकर कितने खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अग्निवीर क्लर्क सिद्धार्थ यादव। अच्छा, घर कहाँ हुआ? घर तिलोकरी। तिलोकरी हुआ। कितने दिन तैयारी किए जिसके बाद आज ये सफलता मिली आपको? यहाँ पे अकेडमी आने के बाद यहाँ से लगभग 3 से 4 महीना यही इंडियन डिफेंस एकेडमी में। तो यहाँ पूरी माने लगा कि जो एक होता है रूटीन में उसके अनुसार यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया, करवाया गया यहाँ तो पे। इसी के कारण आज का आप एक आज अग्निवीर जवान बने हैं। हाँ। तो आप संतुष्ट हैं? ऐसे कहा जाता है कि सेवा काफी 4 साल का ही है, 7 साल शायद कर दिया गया है ना, तो ये लोग कहते हैं कि 7 साल के बाद अब क्या करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो है कि केंद्र सरकार ने बोला है कि जो नियमित बहाली होती है उसमें 10% का आरक्षण देंगे और उम्र में भी छूट देंगे, तो आगे भविष्य क्या देखते हैं इसमें आप? इसमें 4 साल रहे या फिर 2 साल रहे या फिर कितना हो दिन रहे, एक आदमी का जुनून होता है कि देश सेवा का। जी, सबसे पहला वर्दी शरीर पर वर्दी का एक माने छाया पड़े। हाँ, तो ये मिला के आप इसी से संतुष्ट है कि आज आपके जो है शरीर पर वर्दी चढ़ गया और लगा कि हम एक माने देश के सच्चे सबूत बन गए, इसी से आप खुश हैं? खुश हैं। आपका नाम क्या हुआ? अग्निवीर कृष्ण कुमार पांडे। अच्छा, घर कहाँ हुआ? परसावत गुरमुंडा। गुरमुंडा। तो पांडे जी, कैसा तैयारी रहा? बहुत अच्छा हुआ, तैयारी अच्छा रहा। हाँ। तो लगा कि यहाँ पर जो ट्रेनर थे सुभाष जी, उसका एक अच्छा जो एक डिसिप्लिन होता है तैयारी का, वो सारा कुछ यहाँ पर फिर हुआ था यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा यहाँ ट्रेनिंग होता है, हमको लगा यहाँ से हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। तो आप यहीं से ट्रेनिंग किए? जी। और सफलता मिल गई? मिल गई। पहला अटेम्प्ट मिला या दूसरा में? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा ये। पहला अटेम्प्ट। हाँ। उसी में सफलता मिल गई। आगे क्या योजना है? आगे देश की सेवा के लिए सैनिक बनकर ही कि आगे कुछ और तमन्ना है और आगे बढ़ने का? देश की सेवा। देश की सेवा। हाँ। आपका भी देश सेवा। क्या नाम हुआ? अग्निवीर मोहित कुमार सिंह। अच्छा, तो आपने भी पहले ही अटेम्प्ट में सफलता पा ली? नहीं, मैं दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट था। तो आप क्या है, GD है या टेक्निकल? टेक्निकल में हूँ। तो ये सेवा कितने साल की है आपकी?
नहीं फिर चलिए ये भी चार साल वाली तो है लेकिन इसमें परमानेंट होने वाला भी है। परमानेंट होने वाला भी है तो आप खुश हैं अपनी सेवा से? और यहाँ जो ट्रेनिंग मिला ये एकेडमी में उससे आपको कितना माने कि इससे बेनिफिट मिला आपको ये अपना मुकाम हासिल करने में? यहाँ तो पूरा का पूरा श्रेय आता है शिवाजी का। माने जो एक ट्रेनिंग का बेसिक लाइन है उसके अनुसार आपकी तैयारी हुई? हाँ, पूरा पसीना बहाया आपने, दिन रात मेहनत करवाई जिसके चलते आपने सफलता प्राप्त की। आपका नाम क्या है? मनीष यादव। मनीष यादव, मेरा गाँव कुर्मीडी है। कुर्मीडी है। आप देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ। आपके एम क्या है? आज आप एक वीर सैनिक बने हैं, अग्निवीर, एम क्या रख के चल रहे हैं आप? देश की सेवा या पैसा कमाना? देश की सेवा। देश की सेवा। अगर देश पर मुसीबत पड़ेगी तो आप अपने प्राण न्योछावर करने में तनिक भी देर नहीं करेंगे, ऐसी जज्बा जुनून है ना। तो अभी आप ट्रेनिंग करके लौटे हैं तो जल्दी आपकी पोस्टिंग होगी। आपका नाम क्या हुआ? अग्निवीर संजीत कुमार यादव। संजीत कुमार, आप कहाँ से? ग्राम पातेसाले। पाते। आप भी देश सेवा के लिए तैयार हैं? जी। पहले से जुनून था कि देश सेवा करना है कि कुछ नहीं मिल रहा था तो एकाएक आप सैनिक बन जाते? बचपन से देश सेवा का जुनून था। जुनून था। आपका नाम क्या है? अग्निवीर अरविंद कुमार। अग्निवीर अरविंद कुमार, आपका भी ट्रेनिंग यही हुआ है इंडियन एकेडमी में, डिफेंस एकेडमी में? कैसा रहा यहाँ तैयारी? बहुत बढ़िया रहा। सुभाष जी ने कैसा तैयारी करवाई? बहुत बढ़िया करवाई। ये जो एकेडमी चल रहा है कई सालों से, लगता है कि जो आज के मापदंड के अनुसार तैयारी होना चाहिए तो वो स्थानीय स्तर पर यहाँ मिल रहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, बाहर जाने की जरूरत तो बाप ने, जैसे मैं पहले जब अटेम्प्ट किया था उस टाइम मेरा टाइमिंग था 5 लग रहा था 1600 में, और जब सेकेंड बार अटेम्प्ट किया उस टाइम लगा 451, तो समझ सकते आप कैसे तैयारी। खुद भी मेहनत करते हैं और अभ्यर्थियों को भी पूरा मेहनत कराते हैं। हाँ। ताकि पहला से दूसरा अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई कर जाए। हाँ। तो आप यहाँ की तैयारी से खुश हैं? हाँ, आप लोग भी सब पूरी तरह से खुश हैं? आपका नाम क्या हुआ? आप भी ग्रामीण परिवेश से, कोडरमा जिले से? आप भी कोडरमा जिला से? आप कोडरमा जिला से ही? तो आप लोग तो चलिए पूरा आप लोगों ने देश की सेवा के लिए कसमें खा ली है, शपथ ले ली है। और जो युवाएं हैं, जो हमारे कोडरमा के युवा हो या झारखंड के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अगर फौज का सपना है तो इसमें 4 साल और 4 दिन नहीं देखा जाता। सेवा करना है तो 4 दिन काफी है। 4 दिन ही काफी है। अगर देश की सेवा करना है तो 4 साल नहीं 4 दिन ही काफी है। आप क्या मानते हैं, क्या बोलेंगे युवाओं? सही बात है, देश अगर सेवा करना है तो 4 साल हो या परमानेंट तो कुछ नहीं है। देश की सेवा करने के लिए एक दिन मौका मिले तो अपने आप को 5 साल ही मानते हैं। तो माने युवाओं को कहना है कि अगर आपको देश सेवा करना है तो आप अग्निवीर बने। हाँ, और कुछ भी परमानेंट हो या अग्निवीर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग सब संतुष्ट हैं और लगता है कि सरकार का जो स्कीम है वो अच्छा है? कम से कम 4 साल ही सही, लेकिन अच्छा। आप लोगों को एक अनुशासित जो है वो देश का नागरिक या सैनिक बनने में मदद करता है और आगे आप लोग इसी में अपना भविष्य रखेंगे। हाँ, इसी को आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए देश के नए जो नौजवान है जिसके ऊपर देश की सुरक्षा और इसकी रक्षा की जिम्मेवारी होगा, ये पूरी तरह तैयार है और ये बस ये मौके की इंतजार है कि कब इन्हें सरहदों पर भेजा जाए और देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करें। यहीं पर खड़े हैं हमारे ये एकेडमी के जो ट्रेनर हैं सुभाष जी। तो सुभाष जी, ये लड़कों को आपने एक सांचे के रूप में ढाल कर देश सेवा के लिए समर्पित करने के लिए इनको भेज रहे हैं, तो इसमें आपको क्या खुशी हो रही है? सबसे पहले आप सबको जय हिंद दोस्तों। पहले हम भी यही इंडियन आर्मी का ही तैयारी करते थे, तैयारी करते करते हमको बहुत सारा अनुभव हो गया, तो किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया। अच्छा। बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, लेकिन कुछ कारणवश मेडिकल में प्रॉब्लम कुछ हो गया जो कि मेरा नहीं हो पाया। उसी टाइम हम एक सपना देखे थे कि यदि मेरा नहीं हुआ लेकिन दूसरे को तैयार करेंगे, मेरा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में हर घर एक फौज होना चाहिए, एक अग्निवीर पैदा करेंगे। हाँ, एक अग्निवीर इंडियन आर्मी में बहुत सारे, पहले जो 17 साल का था उसमें भी बहुत सारे भाई लोग को भेजे हैं। उसके बाद दो बार, ये दूसरा बैच है अग्निवीर का, ये दूसरा बैच है जो कि दूसरा बैच में टोटल 26 बंदा का हुआ था। अभी 4 बंदा जो है जो कि स्पेशल फोर्स के लिए गया है, पारा सब के लिए, और कुछ बंदा आके चल गया और ये सारे बंदे अभी एक साथ छुट्टी मिला, सब अभी प्रेजेंट है। और बोलना चाहते यही कि 4 साल हो या 17 साल, अपने जिंदगी 4 साल के लिए भी बहुत काफी बहुत है। जो देश सेवा के लिए जो मर मिटने का जो सपना होता है, जो फौज का वर्दी होता है, काफी है। वो किन्हीं को कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन ये जो वर्दी है बिना मेहनत का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जो भी बोलते हैं कि 4 साल बहुत तेज, चलिए आपने तो खैर जो सपना किया था वो लगभग आपका साकार होता दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आते हैं आपके एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए अभ्यर्थी या नौजवान, उसका किस तरह का ट्रेनिंग का आपने एक पैरामीटर तय कर रखा है?
सबसे पहले जैसे जिनका ट्रेनिंग के लिए पूरा फी जो है कि 6000 फी है, और अगर किन्हीं के पास किसी तरह का आर्थिक रूप से उसको भी मदद दिक्कत है तो उनको हम फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं। आज के लिए जो अग्निवीर तैयार करने के लिए जो कंपटीशन होता है ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें आपका एकेडमी जो है यहाँ लड़कों या युवा जो आते हैं उनको पूरी तरह से जो अर्हताएं हैं उसको फुलफिल करने में पूरा समर्थ है? पूरा समर्थ है, माने इनको जो फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर जो इनको एक जो लिखित परीक्षा जो होता है रिटर्न में, वो पूरी तैयारी आप करवा देते हैं? पहले इसका अभी अग्निवीर में जो कि पहले रिटर्न हो गया तो पहले हम रिटर्न का क्लास चलवाएं, उसके बाद बहुत सारा मेरा यूट्यूब चैनल भी है इंडियन डिफेंस एकेडमी करके, उसमें पहले हम रिटर्न का क्लास चलवाएं, उसके बाद अभी फिजिकल का क्लास चलवा रहे हैं ताकि, और इसके बाद मेडिकल जिस तरह से मेरा हुआ है उसी तरह से मेडिकल भी चेक करते हैं, जहाँ तक हमको संभव होता है वो हम चेक करते हैं, और सारे बंदों को किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो हमसे कांटेक्ट करते हैं और सारा चीज हम उसका किसी तरह भी दिक्कत नहीं। कितने साल हो गए आपके एकेडमी के? करीब एकेडमी का 3 साल हो गया। 3 साल, 3 सालों में अब तक आपने कितने ऐसे वीर सैनिकों को यहाँ से अपना माने एक तरह कहे कि पैदा किए या उनको माने एक सैनिक बनाने में अपने सफल हुए हैं? लगभग 96 से प्लस ही है। 96 से ज्यादा सैनिकों को आप तक अभी सरह पर भेज चुके हैं अपने एकेडमी के माध्यम से, तो यहाँ के नौजवान जो है वो 96 के शरीर पर वर्दी चढ़ा और देश सेवा कर रहे हैं। और ये नया अभी कितने लोगों का ये है? अभी नया ये जो अबर जो गए ट्रेनिंग करके जो अभी आए हैं ये सब में अभी 26 पूरा बंदा, 26 बंदा ये आपके एकेडमी के? जी मेरे एकेडमी। ऐसे कोडरमा जिले की बात करें तो और भी होंगे ऐसे, और भी बहुत बंदे जो कि अकेले आपके एकेडमी से 26 है जी। ये 26 युवाओं का जत्था है जो हाल में जो है अग्निवीर बन के लौटे, अब इनकी अभी ट्रेनिंग करके लौटे जी। आगे कोई और बड़ी योजना है क्या? बड़ी योजना यही है कि अभी 80 बंदा जो कि अभी यही अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, जो कि कुछ दिन के बाद 1.5 महीने के बाद उनका दौड़ है, उनको भी कड़ी मेहनत करवा रहे हैं, जो कि सारे के सबका छुट्टी दिया है। वो नया बैच है जिसकी तैयारी न्यू बैच अभी चल रहा है, गर्ल्स और बॉयज का दोनों का, तो सबका रिटर्न निकला, अभी फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और SSC GD में जो भी बंदा भी उस समय भी है 30 बंदा है कम से कम, और गर्ल्स भी 40-50 है। तो यही बोलना चाहते हैं कि जिनको अभी देश का सेवा करना है तो आप आए इंडियन डिफेंस एकेडमी, भरपूर तैयारी कराया जाएगा। अगर यदि किसी तरह का भी प्रॉब्लम है तो आप एक यहाँ पे आके शेयर करें, उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। आपका जो सारा ट्रेनिंग चलता है झुमरी तलिया के CH मैदान पर ही चलता है? CH मैदान में ट्रेनिंग चलता है, यही पर चलता है, यही से आपसे माने संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये है यहाँ के ट्रेनर सुभाष जी जो बता रहे थे कि देश सेवा के लिए 4 साल नहीं बल्कि 4 दिन भी काफी है, जिसमें अगर जुनून है देश सेवा का तो आकर यहाँ डिफेंस करो और एक वीर सैनिक बने। ये नए जो अभ्यर्थी है जो फिलहाल इसी तरह जो एक सामने आप देख रहे हैं जो ये वीर बन चुके हैं और एक इसकी बनने की राह में है, ये सारे जो अभ्यर्थी हैं अभी तक जैसा सुभाष जी बताया कि इनका शायद रिटर्न कंप्लीट हो गया है, रिटर्न और रिटर्न के बाद जो है अब आगे के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी अग्निवीर सैनिक बनना चाहते हैं? पूरा जज्बा जुनून है? काहे के लिए बनना चाहते हैं? क्या पैसा कमाना है कि देश का सेवा करना? सेवा करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने के कहीं नौकरी नहीं मिला तो चलो अग्निवीर बन जाते हैं, मेन मोटिव देश को सेवा करना। देश सेवा के लिए कितना तक पढ़ाई किए हैं? 12th तक, लेकिन देश सेवा है कि देश सेवा करना है? देश सेवा करना है, इसके लिए चाहे जो भी मुसीबत है जो भी मुसीबत उझेलेंगे झेलेंगे। तो अग्निवीर का स्कीम आपको अच्छा लगता है? सरकार का आप लोग को भी अच्छा लगता है? बहुत लोग कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म की नौकरी है, इसमें भविष्य बर्बाद हो जाएगा, क्या आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा लगता है, बोले भैया लोग इसमें हो गया इन लोगों का, इन लोगों ने बताया कि 4 साल का हो या 4 दिन का देश की सेवा करने में अलग ही मजा है, अलग मजा है। नौकरी में नहीं, मैंने शरीर पर अगर वर्दी चढ़ गया भारत माता को तो समझिए कि वो हम एक विशेष अपना हमको मेडल मिल गया। तो इसी तरह ये पूरे देखिए यहाँ पर कुछ लड़कियां भी हैं जो भी जो अपने आप में देश सेवा की जुनून रखती हैं और ये भी पूरे तन मन से यहाँ पर जो है एकेडमी में तैयारी कर रही हैं और लड़कों के बराबरी ही ये भी हौसला रखती हैं कि अगर इन्हें भी मौका मिला, अगर भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान और चाइना से भी लड़ने की नौबत आएगी तो ये अपने युवाओं के ही कंधे से कंधे मिलाकर देश की सेवा के लिए उसी जज्बा और जुनून के साथ जो है वो लड़ाई लड़ेंगी। क्या नाम हुआ आपका? मोनिका जी। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर बनने के लिए, सैनिक बनने के लिए? अच्छा, झारखंड के लिए। तो आप भी डिफेंस में ही जाना चाहते हैं, चाहे वो माने एज यहाँ झारखंड में पुलिस में जाएं या और भी, अगर देश की सेवा के लिए मौका मिला तो वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अभी झारखंड में सिपाही के लिए आप है क्या के लिए? उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है यहाँ पर? कितना दिन से कर रहे हैं?
चार महीने से। इंडियन डिफेंस एकेडमी में आप भी कितना पढ़ाई की है आपने? अच्छा, आप क्या है अभी एज ए जी डी के लिए कि इसमें भी? और झारखंड पुलिस के लिए। अच्छी तैयारी हो रही है? बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। अच्छा, झारखंड पुलिस के अलावे अगर इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला तो जाएंगे कि खाली झारखंड पुलिस में ही तैयारी करेंगे? जाएंगे इंडियन आर्मी में भी जाएंगे। आप भी झारखंड पुलिस? क्या आपका तो कद काफी छोटा लग रहा है, क्या लगता होगा आपका? कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। कितना हाइट चाहिए? नहीं, हम आईपीएस। अच्छा, आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी ग्रामीण इलाके से हैं या शहरी से? गांव से हैं। तो गांव से कहते हैं कि गांव में लड़कियों को ज्यादा छूटे नहीं होती हैं इस तरह के डिफेंस। आपके माँ बाप पूरी इजाजत दे रखा है कि आप जाएं और देश की सेवा करें? कोई हेजिटेशन नहीं है? तो आप क्या अभी जाना झारखंड पुलिस बनेंगे या इंडियन आर्मी में जाएंगे, अग्निवीर बनेंगे? करेंगे। आपका भी यही है, इंडियन आर्मी या झारखंड पुलिस? झारखंड पुलिस में सिपाही बनेंगे, इससे आगे नहीं? और निरीक्षक या और डीएसपी वगैरह नहीं, अभी सिपाही से ही शुरुआत करेंगे आप लोग सब झारखंड के? यहाँ ट्रेनिंग कैसा मिल रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा मिल रहा है, संतुष्ट है? लगता है कि कुछ दिन और ट्रेनिंग करेंगे तो आपका सपना यहाँ से साकार हो जाएगा? तो पूरी आप लोग हौसला के साथ यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो ये है इंडियन डिफेंस एकेडमी, देख सकते हैं इनका लोगो भी यहाँ लगा हुआ है ये कंधों पर। और ये लड़के हो या लड़की, देश सेवा के लिए जहाँ भी मौका मिलेगा ये पूरी अपनी समर्पण और जो है बलिदान का एक जो भावना है उसके साथ तैयार है। तो हमारी भी शुभकामना है कि जिस तरह से सुभाष जी यहाँ एकेडमी में जो यहाँ के नौजवानों को एक सही राह दिखाने का काम कर रहे हैं और देश सेवा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, एक तो इनका काम सराहनीय है। पैसे के लिए तो हर लोग काम करता है, मगर अगर देश के लिए कुछ कर पैसा कमाया जाए तो ये जो है वो अपने आप में इसका एक अलग महत्व होता है। और इसी को जो है वो एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं सुभाष जी, जहाँ ये इतने अच्छे अच्छे नौजवान जो अग्निवीर के रूप में राष्ट्र सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार हुए हैं। ये भावना या प्रेरणा जो है इसी डिफेंस एकेडमी में मिला है। और इसी तरह और भी अनेक वीरों को यहाँ तैयार किया जाएगा, जिसमें चाहे लड़की हो या लड़के, ये सभी जो है वो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर जो है यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे चलकर ये भी जो है वो देश सेवा में अपने को एक सैनिक के रूप में पाएंगे। तो हमारी भी शुभकामना है और ये उम्मीद है कि कोडरमा में जो एकेडमी है वो आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे वीर पुत्रों को पैदा करेगा जो देश सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।